हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्थो दे ब्लॉग्स। तो बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं दिया है, तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड थोड़े से बिजी रह रहे थे, तो इस वजह से हमारी कोई मार्केट वीडियो या शॉपिंग वीडियो नहीं आई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक हॉल वीडियो किया जाए दोबारा से। और बहुत दिनों पहले मैं हॉल वीडियो करती थी और अभी फिलहाल मैं हॉल वीडियो नहीं कर रही थी। आज फिर से मैं एक हॉल वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है विंटर वेयर हॉल वीडियो, और ये है हुडी और जैकेट फ्रॉम मीशो। तो यहाँ मेरे पास 5 आइटम है, जो कि है जैकेट और हुडी फ्रॉम मीशो। तो इसको मैंने नहीं खोला है, मैंने सोचा आपके सामने मैं ओपन करूँगी और अंदर से क्या निकलता है देखते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो विंटर वेयर है वो अंडर 500 है, तो लोएस्ट प्राइस है इसका, सबसे लोएस्ट है 270 और जो सबसे हाईएस्ट है वो है 422 का। तो इस रेंज के अंदर ही ये सारे आइटम हैं। तो चलिए जो फर्स्ट आइटम है पहले मैं खोल लेती हूँ, पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा, तो उसके बाद ही मैं बताती हूँ उसके बारे में कि किसके अंदर क्या है। तो पहला जो आइटम है वो है ये वाइट जैकेट, जो कि है एक बफर जैकेट और इसका प्राइस है 265। और इसके टू कलर्स में ये अवेलेबल था, ये एक वाइट में अवेलेबल था और एक ब्लैक में अवेलेबल था। तो इसको मैंने मंगवाया है, वाइट वाला जो है वो मैंने मंगवाया है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि कैसा है, और ये सिर्फ 265 का है। तो चलिए लेट्स सी। और मैं आप लोगों को ये ट्राई करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। ओ माय गॉड, पहला ही इम्प्रेशन खराब हो गया। वैसे ये काफी अच्छा लग रहा था दिखने में, पूरा वाइट, बट इसमें एक दाग है यहां पे, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, ये देखिए यहाँ एक दाग है। तो लगता है कि किसी ने पहन के रिटर्न किया होगा और वही उन्होंने भेज दिया है। तो वैसे तो अच्छा है, बट प्रॉब्लम यही है कि इसमें दाग है। तो चलिए फिर भी मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है इसका लुक। बहुत ज़्यादा हाइट लंबी नहीं है इसकी, शॉर्ट हाइट है। और ये है इसका यहाँ पे चेन, जो पूरा बंद हो जाता है। आप चाहे तो इसको पूरा बंद करके भी पहन सकते हैं, और या फिर इसको खोल के इस तरह से भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, तो अच्छा ही लग रहा है। बस अगर इसमें ये दाग नहीं होता तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट जस्ट बिकॉज ये इसमें दाग है तो मुझे ये रिटर्न करना पड़ेगा। और मैंने ये एक्सेल साइज में लिया है, क्योंकि मीशो के साइज थोड़े अप डाउन रहते हैं, पता नहीं चलता है, तो ये एक्सेल साइज में। बट इसमें कोई पॉकेट वगैरह नहीं है, अगर पॉकेट वगैरह होता तो ज्यादा अच्छा रहता, बट फिर भी ये अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मेरी तरफ से ये थम्स अप है। तो जो नेक्स्ट आइटम है वो है न्यू गर्ल हुडी स्टाइल, और ये है, इसका प्राइस है 350, और ये पर्पल कलर में है। और यहाँ पे इसके 3 कलर्स अवेलेबल थे, यहाँ पे एक था स्काई कलर का, एक बेज कलर का और एक ये पर्पल कलर का। तो ये वाला कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। और ये एक हुडी है और इसका प्राइस है 350, और इसका मैं ये लिया था, मैंने लार्ज साइज में मंगवाया था। तो चलिए ये भी देख लेते हैं।
तो ये रहा वो हुडी, आपको दिखाई दे रहा है, ये रही इसकी स्लीव्स, और इसके सामने एक प्रिंट है डैप करते हुए, और ये पॉकेट्स जैसे हुडी में होती है, सामने दो पॉकेट्स है, और ये हुडी है, हुडी भी अच्छे अच्छे खासी साइज का है, बड़ा ही है। तो इसका साइज है L, तो चलिए मैं आपको ये वाला वेयर करके दिखाती हूँ। तो गाइज ये है हुडी, ₹350 में हुडी, मुझे तो अच्छी लगी, हाइट भी इसकी सही है, और ये लार्ज साइज लिया है मैंने, तो बहुत ज्यादा ढीला नहीं है, ठीक ठीक है बिल्कुल। वैसे मैं M पहनती हूँ, तो देखिए आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, मेरी तरफ से तो ये थम्स अप है, मुझे तो ये अच्छा ही लगा है, और कलर भी इसका काफी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग अगर लेना चाहे तो इसे ले सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या निकलता है इसमें से, ये मैं काट लेती हूँ पहले, ओह माँ उंगली ही काटने वाली थी अभी मैं। ओके तो ये जो आइटम है, तो ये है बॉम्बर जैकेट जिसका प्राइस है ₹270, और ये सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन में ही था, और मैंने इसमें साइज लिया लिया है M साइज, तो चलिए इसको वेयर करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और पहले मैं दिखा तो दूँ, मैंने आप लोगों को दिखा ही नहीं, पहले ही बोल रही हूँ कि मैं वेयर करके दिखाती हूँ, अच्छा पहले मैं दिखा तो देती हूँ। पता नहीं साइज कैसा होगा, तो ये है बॉम्बर जैकेट, और ये M साइज में लिया है मैंने, और इसका प्राइस है ₹270 ओनली। तो चलिए मैं इसको पहन के आती हूँ। तो गाइज ये है वो जैकेट, ये थोड़ा क्रॉप ही है, ज्यादा इसकी लेंथ नहीं है, थोड़ा क्रॉप टाइप का ही है, तो ये भी अच्छा ही है, इसका स्लीव्स भी पूरी फुल स्लीव्स है, छोटा नहीं है बिल्कुल भी, साइज मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आया है M साइज, थोड़ा सा अगर लूज होता तो शायद अच्छा होता, बट कोई नहीं, ये भी अच्छा ही लग रहा है। मैं इसके बटन्स लगा के दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये कैसा लगता है, तो ये बटन्स लगा के ये कुछ ऐसा लग रहा है, तो बुरा नहीं लग रहा है, अगर आप इसको ओनली जैसे मेरी ये टी शर्ट निकली हुई है, तो इसको मैं अंदर घुसा देती हूँ, अगर आप इसको ऐसे वेयर करेंगे तो अच्छा ही लग रहा है, बुरा नहीं है, ₹270 के प्राइस में ये काफी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, हाँ बहुत मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड में आपको काम में नहीं आएगा, बट थोड़े हल्के ठंड के लिए ये अच्छा है, मतलब जैसे ठंड पड़ रही हो या फिर ठंड जब जा रही हो उस टाइम पे आप इस तरह की जैकेट पहन सकते हैं, और जीन्स और इस तरह के जैकेट आजकल बहुत ट्रेंड में भी हैं, इसे खोल खोल के भी अच्छा लग रहा है, तो मेरी तरफ से ये भी थम्स अप है, तो चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो जो नेक्स्ट आइटम है, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ओके इसमें से निकला है ये वाला, तो ये है अर्बन अर्बन ग्लैमरस वुमेन जैकेट एंड वेस्ट कोट, और इसका प्राइस है ₹359,
और ये मैंने एम साइज में ही लिया था। ये भी तीन कलर में अवेलेबल है, एक व्हाइट में है, ब्लैक में है और ये इस तरह के ब्राउन कलर में है। तो मैंने ब्राउन वाला मंगवाया था, बट मुझे लग रहा था थोड़ा डार्क आएगा, बट ये थोड़ा लाइट ब्राउन है। तो चलिए इसको निकाल के दिखाती हूँ मैं पहले आपको। तो ये है कुछ ऐसा, ये क्रॉप है और ये भी मैंने एम साइज में ही मंगवाया है। एम साइज में ये ठीक ठाक लग रहा है साइज मेरे को, मतलब मेरे हिसाब से ठीक है। इसमें पता नहीं क्या काला काला कुछ थ्रेड सा लगा हुआ है और इसका प्राइस है 359। तो चलिए इसको भी वेयर करके आती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये भी क्रॉप ही है जैसे मैंने आपको बताया और इसमें ये चेन है जो यहाँ तक बंद हो जाती है, तो आप उसको इस तरह से भी पहन सकते हैं और चाहे तो इसको खोल के भी पहन सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा है, वॉर्म है, बट मुझे थोड़ी भालू भालू जैसी फीलिंग आ रही है इसकी कलर की वजह से। खैर फिर भी 359 के हिसाब से अच्छा है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से भी ये थम्स अप है। तो चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट जो आइटम है और ये लास्ट है और अब मैं ये खोल के आपको दिखा रही हूँ इसमें से क्या निकलता है, देखते हैं। तो इसमें से जो निकला है वो है, तो ये है एक क्रेजी इंटरनेशनल लेदर जैकेट फॉर वुमेन। इसका प्राइस है 422 और ये थ्री कलर्स में अवेलेबल है। एक है मरून और एक है थोड़ा पीच कलर का और एक है रेड कलर का। तो मैंने इसमें से मरून कलर चूज किया है और मैंने ये एल साइज में लिया है। तो चलिए इसको दिखा देती हूँ मैं आपको पहले। तो ये है ये जैकेट, लेदर का जैकेट, मतलब एक्चुअल लेदर तो नहीं है। ये इसकी स्लीव्स, फुल स्लीव्स है पूरी और ये सामने इसकी चेन है और ये साइड में पॉकेट में भी चेन है। और ये है सब आज के हॉल का सबसे महंगा आइटम, 422 का सबसे हाईएस्ट रेंज का। तो चलिए मैं इसको भी पहन के दिखाती हूँ। तो ये रहा ये जैकेट, मैं आपको चेन लगा के दिखा देती हूँ। ये चेन थोड़ा सा अटक रहा है और ये रही इसके पॉकेट। अरे ये पॉकेट नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, ये तो स्कैम हो गया, इसमें पॉकेट है ही नहीं, ये जस्ट फॉर शो के लिए ही दिया हुआ है। ये भी अटक ही रहा है, इधर भी ऐसे ही है सेम, इसमें पॉकेट नहीं है, सिर्फ ये चेन शो के लिए दिया हुआ है। और ये मैंने एम साइज में लिया है, ओ सॉरी नहीं, ये मैंने एल साइज में लिया है और मैंने क्योंकि अंदर एक थोड़ा मोटा टी शर्ट पहना हुआ है इस वजह से ये थोड़ा टाइट लग रहा है, वरना अगर ऐसे नॉर्मल टी शर्ट के ऊपर पहनूंगी तो ये ठीक लगेगा, इतना टाइट नहीं लगेगा, ठीक है। और विंटर में अगर आप इसे पहनना चाहें तो बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, बहुत ही लाइट, जैसे थोड़ी सी हल्की सी ठंड हो तो आप इसको वेयर करके बाहर जा सकते हैं। जैसे मैं रहती हूँ बेंगलोर में तो यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो यहाँ के लिए ये परफेक्ट है। दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बट क्वालिटी, ऑफ कोर्स 422 इसका प्राइस है तो उसके हिसाब से
क्योंकि इसका अंदर का जो चीज़ है वो भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। पूरा जैसे लग रहा है जैसे बैग का कपड़ा होता है ना, वैसी सिलाई करके दे दिया है और अंदर अलग से कोई भी कपड़ा अटैच नहीं है। बस यही यही कपड़ा है जो अंदर से भी इसको स्टिच करके दिया हुआ है। तो ये कितना चलेगा? आई हैव अ डाउट। अगर फिर भी आपको जस्ट ऐसे ही फैशन के लिए पहनना है और कुछ सस्ते में चाहिए आपको, थोड़ा सा रीजनेबल रेट में अगर इस तरह का जैकेट अगर आपको चाहिए तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको लेके कंफ्यूज हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का मीशो हॉल वीडियो जिसमें आपसे मैंने जैकेट वगैरह शेयर किए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप लोग की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इस तरह की वीडियोस बनाने की। अदरवाइज़ मेरे जो मार्केट वीडियो हैं वो तो आते ही रहेंगे। हाँ, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, बट अभी मैं कंटिन्यू फिर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।